37 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। दोपहिया वाहन खरीदने के लिए पेमेंट करें पेटीएम से और पाए 1500 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है, इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के याद है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया के हर जनरेशन नई जनरेशन है, इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। सागर श्री, एक सौगात, सागर संभाग का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब आपके शहर में। 150 बेड, 16 स्लाइड सिटी स्कैन, हाई टेक ट्रॉमा सेंटर, 50 बेड का एडवांस्ड ICU एवं 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के साथ हमारी टीम अब तैयार है। हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, सर्जरी या किसी भी अन्य गंभीर रोग के लिए अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अत्याधुनिक उपकरणों, उच्चतम सुविधाएं एवं अनुभवी डॉक्टरों की टीम सागर में ही आपको कम कीमत में सर्वोच्च सेवा देने के लिए तत्पर है। हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में गड़ाकोटा में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है। वहीं गड़ाकोटा में आयोजित हुए इस सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए हार्दिक पटेल ने सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भाजपा सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और घोटालों की सरकार होने के भी आरोप लगाए हैं। किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए हार्दिक पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है, साथ ही किसानों के समर्थन में अपनी बात भी कही है। घोटाले के लिए, घोटाले के सामने लड़ने के लिए 4-5 बाबा निकले, पता नहीं बाबा को क्या समझ आया, मामा को क्या समझ आया, वही घोटाले के अंदर बाबा को लेकर खड़ा कर दिया। 4 बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। कुछ मीडिया वालों ने कल मुझे भोपाल के अंदर पूछा कि हार्दिक भाई क्या कहोगे मामा के बाद, मामा के खिलाफ क्या बोलोगे। मामा ने 5 मंत्री, 4 मंत्री को राज्य कक्षा का दर्जा दे दिया। मैंने कहा गलत क्या किया, सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि कब तक बेचारे रहोगे। यहाँ पर मन से 5 लोग बोले मेरे आने के बाद, बेचारे किसान, बेचारे किसान, बेचारे किसान। अरे पूरे देश को हम खिलाते और हम ही बेचारे। अरे पूरे देश को सब कुछ देते, हम ही बेचारे। मेरे हाथ में फोन है, मेरे परिवार के अंदर टीवी है, एसी है, फ्रिज है। अगर वो सब नहीं होगा ना, फिर भी मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, फिर भी मेरा परिवार सुखी रह सकता। लेकिन अगर मेरे परिवार के सदस्यों के पेट में खाना नहीं आएगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। बैठे लोगों को परेशान करते, जो वादे किए थे वो निभाए नहीं। मुझे मालूम है आप लोगों को कौन डराता है, कौन धमकाता है, ये कार्यक्रम ना होने देने के लिए क्या क्या किया। लेकिन अगर हम वो दो दाढ़ी वालों से नहीं डरते तो इन मामा से और ये छठन गोपाल से हम डरने वाले नहीं। उस मामा को मालूम नहीं है भांजा बहुत सजान है, उस मामा को मालूम नहीं है भांजा बड़ा खिलाड़ी है, 2.5 साल से लड़ा आया है, 150 से 99 तक पहुंचा दिया है। और उन मामा को भी मालूम है कि यहाँ पर अगर किसान जाग गया, अगर यहाँ पर सब मध्य प्रदेश की जनता जाग गई तो मामा क्या करेगा, वो मामा को ही मालूम है। फिर वो कंप्यूटर, बाबा के कंप्यूटर से भी कुछ नहीं निकलने वाला। पहुंचाओगे लोकसभा के अंदर नहीं पहुंचाओगे तब तक हमें ऐसे आंदोलन करने की नौबत पड़ेगी और हम खुद को बेचारा और पिछड़ा बन कर ऐसे आंदोलन के अंदर हिस्सेदारी लेते रहेंगे और ये चोर हमारी छाती पर गोली मारकर हमारे किसानों को शहीद करते रहेंगे। अगर 100 रुपये दाम कम होगा उतना ज्यादा कोकला बनकर सोएंगे, लेकिन ये नहीं कि आओ बार आकर लड़े, आओ बार आकर उनका संघर्ष करे, उनके सामने बात रखे। बस इतने बेचारे कब तक क्यों लड़ू मैं आपके लिए, हम लोग क्यों लड़े आपके लिए। गुजरात से यहाँ आने का मतलब क्या, अगर राजनीति करने होती तो गुजरात में करते। अगर एसी का मालिक आज करोड़पति और जो पूरे देश को खिलाता है वो बेचारा आज गरीब बैठा है, कह रहा है हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो। पूरी जिंदगी गरीबी रहा, हर किसी की गुलामी की,
गौरतलब है कि गड़ाकोटा में आयोजित हुए इस किसान आंदोलन में हार्दिक पटेल ने सभा में पधारे हजारों किसानों को संबोधित किया है। वहीं हार्दिक पटेल ने कार्यक्रम में शामिल हुए किसानों को अधिकार दिलाए जाने की बात भी कही है। इसके अलावा राज्य सरकारों सहित केंद्र की सरकार को चेताने की भी बात इस आंदोलन के जरिए हार्दिक पटेल ने की है।